नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमी अम्बाला में स्वागत है। आज मैं आपको हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो में संकलित कविता कठपुतली पढ़ाऊंगी और जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। यह जो कविता है यह प्रश्न शैली में है और इसमें कठपुतलियों का मानवीकरण किया गया है। इस कविता में कवि कठपुतली के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि जो आज़ादी है वो सबको प्रिय है और कठपुतली को एक मानव के रूप में चित्रित किया गया है और उसकी व्यथा को व्यक्त किया है। चलिए अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। इस काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि जो कठपुतली है उसे धागों से बांधा गया है और वह प्रतंत्रता का जीवन जी रही है। तो कवि कहते हैं कि वो प्रतंत्रता का जीवन जी रही है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही भावना एक कठपुतली के माध्यम से कवि के मन में जाग उठी है। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली ने गुस्से से उबल कर मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर कहा कि यह धागे मेरे आगे पीछे क्यों बांधे गए हैं, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। वह कह रही कि इन धागों को तोड़ दो जो तुमने मेरे चारों तरफ बांधे हुए हैं और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात अब मुझे आप स्वतंत्र रहने दो, मुझे बंधन मुक्त कर दो। तो कवि कहते हैं कि सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही भावना एक कठपुतली के मन में जाग उठी और वह विद्रोह कर बैठी। गुस्से में ही बोल उठती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं, अर्थात वह कहती है कि उसे हर तरफ से धागों से क्यों बांधा गया है। वह बंधन से आज़ाद होने के लिए जोर देकर कहती है कि उसके बंधन तोड़ दिए जाएं और उसे अपनी मर्जी से जीवन जीने दिया जाए। वह बंधन मुक्त होना चाहती है और स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसके स्वर में अब विद्रोह का भाव है। अब चलिए हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हैं हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस काव्यांश में कठपुतलियों के मनोभाव को कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। सुनकर बोली और कठपुतलियां, कवि क्या कह रहे हैं कि धागों से बंधी होने पर दूसरों के इशारों पर काम करने वाली एक कठपुतली आज़ाद होने के लिए जब विद्रोह कर देती है तब दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जाग जाती है। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगती हैं कि हमें भी बंधन में रहते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, अब हम भी आज़ाद होना चाहती हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि पहली कठपुतली की आवाज़ सुनकर और कठपुतलियाँ बोली कि वह भी अब आज़ाद होना चाहती हैं, वह भी आज़ाद होना चाहती हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी का अर्थ है कि बहुत दिन हो गए ना हमारे मन का दुख दूर हुआ, अर्थात जो प्रतंत्र रहता है जिसको कैद कर दिया जाता है वह मन से बहुत दुखी होता है, और ना ही हमारे मन में कोई खुशी आई। मन के छंद छूने का अर्थ है कि हमारे मन में कोई भी खुशी नहीं है, अर्थात बंद रह के हम बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हैं। जब सब कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी पहली कठपुतली महसूस करने लगती है तब यह सोचने लगती है कि क्या वह सबकी आज़ादी बनाए रख सकेगी, अब वह अपनी इच्छा पर सोच विचार कर कदम उठाना आवश्यक। अर्थात भाव यह है कि जब
पहली कठपुतली ने अपने धागों को तोड़ने के लिए, आजाद होने के लिए विद्रोह का भाव उठाया, विद्रोह का स्वर उठाया, तो तब उसको देखकर दूसरी कठपुतलियों ने भी आजाद होने की इच्छा व्यक्त की। वो भी कैदी का जीवन ना जीकर प्रसन्न होकर रहना चाहती थी। परंतु जब सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी पहली कठपुतली पर आ जाती है तो वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। अर्थात हमें जो भी निर्णय लेना चाहिए वह सोच समझ कर लेना चाहिए, और हमें किसी की जिम्मेदारी निभाना हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। इस कविता में हमें यही बताया गया है कि हमें एक तो किसी को कैद नहीं करना चाहिए, जो पराधीनता का जीवन है वह बड़ा दुखदाई है, और दूसरा इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ा काम है जिसे करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। धन्यवाद।